हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल बिग थिंग्स। आई एम डॉक्टर वाघ और आज का हमारा टॉपिक है बर्निंग यूरिनेशन। यस, बर्निंग पी, यूरिन में जलन। हम अगर यूरिन की जलन होती है तो कैनबेरी जूस का सेवन कर सकते हैं। कैनबेरी जूस ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो यूरिन की जलन में लिया जाता है। इसमें होने वाला कंटेंट प्रोसाइनाथियाइड हमें यूरिन में होने वाले बैक्टीरिया, यूरिन में प्रेजेंट रहने वाले बैक्टीरिया को यूरिन बैग के वॉल में चिपकने से दूर रखता है और हमारा यूरिन के इन्फेक्शन से बचाव करता है। लेमन जूस या आंवला, लेमन जूस और आंवला में विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है। ये विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है और हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। कोरिएंडर लीव्स या कोरिएंडर सीड्स या क्यूमिन सीड्स अगर एक चम्मच ले और एक ग्लास पानी में डाले और ये पानी सुबह सीड्स को अलग करके उसका सेवन करें तो इस यूरिन की जलन का प्रॉब्लम दूर होने में मदद होती है। जिंजर जूस, जैगरी और हनी का थोड़ा सा मिश्रण करके अगर वो लिया जाए तो इस यूरिन की जलन का प्रॉब्लम दूर होने में या कम होने में ज़रूर हेल्प होती है। कैरेट जूस कोल्ड होने के कारण वो भी इस यूरिन की जलन में हेल्प करती है। 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा आप ले और एक ग्लास भर पानी में डाल के उसका सेवन करें तो बेकिंग सोडा का अल्कलिनिटी हेल्प करता है कि यूरिन का एसिडिक नेचर का इफ़ेक्ट नलीफाई करे और आपको यूरिन की जलन से छुटकारा मिले। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और हम कर सकते हैं वो है कि जो जो सीज़न में जो जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो फ्रूट्स का सेवन करें, क्योंकि उस फ्रूट से मिलने वाले सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं और वो सीज़न में वो फ्रूट हमें हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा हेल्प करता है। समर के सीज़न में जो वाटरमेलन, ककुम्बर ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती है उसमें पानी की मात्रा बहुत सारी अवेलेबल होती है, इसीलिए अगर ऐसे फ्रूट्स थोड़ा सा नमक के साथ सेवन करें तो उसमें उपलब्ध होने वाला पानी हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रहता है और उसमें उपलब्ध होने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करके हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरी, ग्रेपफ्रूट या ऑरेंज इनका सेवन करें तो इन फ्रूट्स का एसिडिक नेचर हमारी एसिडिटी लेवल बढ़ाते हैं और जब बॉडी में एसिडिटी लेवल बढ़ती है तो आपका यूरिन मोर एसिडिक होता है और आपको यूरिन की जलन ज़्यादा होती है। तो इस फ्रूट्स का सेवन अवॉइड करें अगर आपको यूरिन की जलन की शिकायत बार बार होती है। अगर आप टी या कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इसको मॉडरेट अमाउंट में लें, क्योंकि टी और कॉफ़ी हमारे शरीर से वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा कम करता है और हमें यूरिन की जलन की तकलीफ जल्दी हो सकती है या यूरिन में जलन की तकलीफ बढ़ सकती है। अगर आपको यूरिन की जलन हो रही है या प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो रहा है तो आप सीज बात ले सकते हैं, लेकिन ये सीज बात कैसे लेना है तो आपको अल्टरनेटली ठंडा पानी और गर्म पानी में बैठना है। गर्म पानी इतना गर्म हो कि आप उसमें कंफर्टेबली बैठ सके, इससे हमारे प्राइवेट एरिया यूरिन की जगह हाइड्रेट रहती है और यूरिन में होने वाली जलन की शिकायत कम होती है। इस गर्म और ठंडे पानी में अल्टरनेटली आपको 5-5 मिनट बैठना है। फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्मॉल बिग थिंग्स फॉर रेगुलर अपडेट्स। बाय बाय।